हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज हम आपको बताएंगे टॉप 10 हाईएस्ट टॉक जनरेट करने वाली कारों के बारे में अंडर 10 टू 15 लाख रुपीस। हिल स्टेशन पे ट्रैवलिंग का शौक रखने वाले लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको टॉर्क का मतलब क्या होता है, ये कारें आपको क्यों लेनी चाहिए, इनके स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, इंजन कैपेसिटी, माइलेज, इन सब ऑप्शंस पर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो ना मिस कर सकें। इंजन में प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क का सिंपल मीनिंग एक्सेलरेशन होता है। डीप में क्लेरिफाई किया जाए तो मैक्सिमम टॉर्क रखने वाली कार्स हिली एरियाज में अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, वहीं लो टॉर्क रखने वाली कार्स का इंजन जल्दी हीटअप हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस में भी डिफरेंस आता है। पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में डीजल इंजन में ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस लिस्ट में 10 पोजीशन पर आती है ह्यूंडई क्रेटा। ह्यूंडई क्रेटा 5-सीटर एसयूवी कार है। ये कार इंडिया में पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में आती है। इसके 1.6 लीटर वाले इंजन में आपको मिलेगा 265 नैनोमीटर का टॉर्क और प्रोड्यूस करती है 126.2 bhp की पावर। ये कार देती है आपको 20.5 kmpl का माइलेज। इसके अलावा इस कार में मिलेगा आपको 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.4 लीटर डीजल इंजन। इस कार की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 9.99 लाख से और इसका टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा 15.72 लाख का। इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें मिलता है आपको एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयरबैग्स जैसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स। 9 पोजीशन पर आती है महिंद्रा TUV 300 प्लस। महिंद्रा TUV 300 प्लस एक 9-सीटर कार है। ये कार इंडिया में खाली डीजल वेरिएंट में आती है। इसके डीजल इंजन का टॉर्क है 280 नैनोमीटर का। इसमें 2.2 लीटर डीजल इंजन लगा है जो जनरेट करता है 120 bhp की पावर और ये कार आपको देती है 18.49 kmpl का माइलेज। इस कार का स्टार्टिंग मॉडल आपको मिलेगा 9,92,000 में, वहीं इसका टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा 11,42,000 का। 8 पोजीशन पर आती है महिंद्रा मराजो। महिंद्रा मराजो एक 7-सीटर MUV कार है। ये कार खाली आपको डीजल वेरिएंट में मिलती है। इसके डीजल वेरिएंट का टॉर्क है 300 नैनोमीटर का। इसमें लगा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 121 bhp की पावर। ये कार देती है आपको 17.3 kmpl का माइलेज। इस कार की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 9,99,000 से जो वेरी करती है 14.76 लाख तक। इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में मिलता है आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड कंट्रोल अलर्ट, डुअल एयरबैग और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स। 7th पोजीशन पर आती है महिंद्रा XUV 300। महिंद्रा XUV 300 एक 5-6-सीटर SUV कार है जो इंडिया में पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में आती है। इसके डीजल इंजन का टॉर्क है 300 नैनोमीटर का। इस कार में लगा है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो जनरेट करता है 115 bhp की पावर और माइलेज की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 20 kmpl का माइलेज। कार के डेली एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो ये कार मिलती है आपको 8.69 लाख से 12.68 लाख तक। सेफ्टी फीचर्स में मिलता है आपको ओवर स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सेंट्रल लॉकिंग, ABS, EBD, डुअल एयरबैग जैसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स। 6th पोजीशन पर आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक 7-सीटर SUV कार है। इंडिया में ये कार खाली डीजल वेरिएंट में अवेलेबल है। इस कार के डीजल इंजन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जो आपके डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। इसके 2.2 लीटर डीजल इंजन में आपको मिलता है 320 नैनोमीटर का टॉर्क। वहीं ये कार प्रोड्यूस करती है 140 bhp की पावर। ये कार देती है आपको 16.36 kmpl का माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है। इसका दूसरा वेरिएंट आता है 2.6 लीटर डीजल इंजन के साथ जो जनरेट करता है 75 bhp की पावर, जिसमें मिलता है आपको 200 नैनोमीटर का टॉर्क। इस कार की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 10,19,000 से जो वेरी करती है 16.83 लाख तक। ये कार आती है बंच ऑफ सेफ्टी फीचर्स के साथ जो कवर करती है ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर टू बिकम मच सेफर फॉर ट्रैवलर्स। इस कार में मिलता है आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 6 एयरबैग्स इंक्लूडिंग नी एयरबैग्स, TCS, ABS, ब्रेक असिस्ट, रियर वाइपर जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स।
फिफ्थ पोजीशन पर आती है टाटा हेक्सा। टाटा हेक्सा 7-सीटर कार है। ये कार खाली डीजल वेरिएंट में इंडिया में आती है। इसके डीजल वेरिएंट का टॉर्क है 320 नैनोमीटर का, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉर्क है टू बिकम परफेक्ट ऑफ रोड एंड हिल स्टेशन कार। 2.2 लीटर डीजल इंजन वाली ये कार जनरेट करती है 147.9 bhp की पावर और देती है आपको 17.6 kmpl का माइलेज। वहीं इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये स्टार्ट होती है 13.7 लाख से, जो वेरी करती है 19.27 लाख तक। फीचर्स की बात करें तो इस कार में मिलता है आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, फॉग लैंप्स, ESP, स्पीड कंट्रोल सिस्टम, स्पीड अलर्ट सिस्टम, न्यू डिज़ाइन अलॉय व्हील, सनरूफ जैसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स। फोर्थ पोजीशन पर आती है टाटा सफारी स्टॉर्म। टाटा सफारी स्टॉर्म एक 7-सीटर लग्जरी कार है। ये कार इंडिया में खाली डीजल वेरिएंट में आती है और इसके डीजल इंजन का टॉर्क है 320 नैनोमीटर का। इसमें लगा है 2.2 लीटर डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 153.79 bhp की पावर और देता है आपको 14.1 kmpl का माइलेज। कार की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 11,09,000 से 16,43,000 तक। सेफ्टी फीचर्स में मिलता है आपको ABS, ESC, ब्रेक असिस्ट, 6 एयरबैग, पार्किंग सेंसर और बहुत सारे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। थर्ड पोजीशन पर आती है MG Hector। नाम तो सुना ही होगा। MG Hector एक 5-सीटर SUV कार है। ये कार इंडिया में पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन में आती है। इस कार के डीजल वेरियंट का टॉर्क है 350 नैनोमीटर का, जिसमें लगा है 2 लीटर डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 168 bhp की पावर। ये कार देती है आपको 17.41 kmpl का माइलेज। इस कार की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 13.48 लाख से 17.28 लाख तक। सेफ्टी फीचर्स में ये कंपनी आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स देती है, जैसे एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, पार्किंग कैमरा, ओवर स्पीड अलर्ट सिस्टम, ब्रेक असिस्ट जैसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स। सेकंड पोजीशन पर आती है टाटा हैरियर। टाटा हैरियर एक परफेक्ट 5-सीटर कार है। ये कार इंडिया में खाली डीजल वेरियंट में अवेलेबल है, जो देता है आपको 350 नैनोमीटर का टॉर्क। इस कार में लगा है 2 लीटर डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 167.6 bhp की पावर और ये कार आपको देती है 17 kmpl का माइलेज। इस कार के प्राइस रेंज की बात करें तो इस कार का स्टार्टिंग मॉडल मिलता है आपको 13.69 लाख में, वहीं इसका टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा 20.25 लाख का। सेफ्टी फीचर्स में टाटा कंपनी आपको देती है सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, TCS, ABS, ब्रेक असिस्ट, रियर वाइपर्स और बहुत सारे एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। फर्स्ट पोजीशन पर आती है द मोस्ट अवेटेड कार, सभी की फेवरेट, हाईएस्ट पावर प्रोड्यूस करने वाली महिंद्रा XUV500। महिंद्रा XUV500 में मिलता है हमें मैक्सिमम टॉर्क 360 नैनोमीटर का। ये कार 5-सीटर SUV कार है, बस डीजल इंजन में आती है। इसमें लगा है 2.2 लीटर डीजल इंजन, जो जनरेट करता है 155 bhp की पावर और ये कार देती है आपको 15 kmpl का माइलेज। इस कार की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 12.3 लाख से और इसका टॉप वेरिएंट मिलेगा आपको 18.62 लाख का। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार में मिलता है आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर वॉश वाइपर जैसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स। तो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 10 मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली कार्स अंडर 15 लाख रुपीज। मोस्टली हमने आपको डीजल कार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, बिकॉज डीजल कार ही मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। आपको इन कारों में से कौन सी कार सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।